हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहे। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे OB34 के अपडेट के बाद हमें कौन कौन सी न्यू हिस्ट की स्किन हमारे गेम में देखने को मिलने वाली है, और हमारे न्यू ईवो बंडल का लुक भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसका ग्रुप में जो इमोट होता है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो किस टाइप का रहने वाला है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कुछ छोटे मोटे और भी अपडेट इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। तो गाइस, जब भी मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे न्यू ईवो बंडल के बारे में कि हमारा जो न्यू ईवो बंडल है वो कौन से थीम पे रहने वाला है। तो हमारा जो न्यू ईवो बंडल है वो हमारा रैम्पेज के थीम पे आने वाला है। तो आप लोग उसका लुक वगैरह आप नीचे स्क्रीन के ऊपर इस वाले फोटो में देख सकते हो। ये कोई एडिटिंग नहीं है, इसका ट्रेलर भी निकल के आ चुका है, ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि आप लोगों को ये वाला न्यू ईवो बंडल हमारे रैम्पेज के थीम पे देखने मिलने वाला है। अभी मैं आप लोगों को इसका ट्रेलर भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस, ये वाला हमारा न्यू ईवो बंडल का ट्रेलर रहने वाला है। ये वाला जो बंडल है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। ग्रेना ने बहुत कुछ मतलब अच्छा बनाने का ट्राई किया है, और ये बंडल बहुत ज़्यादा अच्छा लग भी रहा है। वो कोबरा बंडल से भी ज़्यादा अच्छा बंडल है ये वाला। और आप लोगों में एक और बात बता देता हूँ, अभी हमारा न्यू ईवो बंडल आने वाला है, तो आप लोगों को कोबरा बंडल या बुया बंडल, इन दोनों बंडल में से एक बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाएगा जल्दी। इसकी डेट वगैरह तो अब तक कंफर्म नहीं हुई है, बट आप लोगों को रिटर्न में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अभी हम न्यू ईवो बंडल के इमोट की बात कर लेते हैं कि हम जो ग्रुप में एक साथ इमोट करते हैं वो इसका कौन सा इमोट रहने वाला है। तो गाइस, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये वाला हमारा न्यू ईवो बंडल का इमोट रहने वाला है। ये वाला इमोट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बुया बंडल में जैसे एनिमेशन था लाइटनिंग वगैरह का, उसी टाइप का अच्छा इफेक्ट है इसमें। इसमें थोड़ा फायर का इफेक्ट है, तो ये वाला इमोट देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस, जब भी मैं आप लोगों को कुछ और भी आइटम दिखा देता हूँ जो हमारे रैम्पेज के थीम पे आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये वाली जो थॉमसन की स्किन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये वाली भी हमारे रैम्पेज के थीम पे ही आने वाली है। इसका लुक वगैरह भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब तक की मतलब थॉमसन की सबसे लेजेंडरी स्किन यही वाली है, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका इवेंट मैं बता देता हूँ, तो ये साइड से आप लोगों को हमारे फेडेड वेल भी आए क्रिस्टोर में देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें 1000 डायमंड लग सकते हैं, उसमें आप लोगों को ये वाली जो थॉमसन की स्किन है वो मिल जाएगी। बाकी इसके बाद हम कुछ न्यू ग्लू वॉल की स्किन की भी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को OB34 के अपडेट के बाद कुछ लेजेंडरी ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिलने वाली है। वो कौन सी रहने वाली वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रही होगी, ये वाली हमारी लेजेंडरी ग्लू वॉल की स्किन रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमारा जो ग्लू वॉल के ऊपर डैमेज आएगा तो उसके बाद साइज से हमारे ग्लू वॉल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये पहले भी हो सकता है, ये तो अब तक पता नहीं चला। बाकी इसमें मतलब कलर चेंजिंग वाली पहली बार ये वाली ग्लू वॉल की स्किन आई है, तो ग्लू वॉल की स्किन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वाली ग्लू वॉल की स्किन कैसी लगी। इसके बाद एक और भी ग्लू वॉल की स्किन है, वो इससे ज़्यादा लेजेंडरी रहने वाली है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये वाली जो ग्लू वॉल की स्किन है ये हमारे रैम्पेज के थीम पे है, तो ये हमें जल्दी हमारे गेम में देखने को मिल जाएगी। अभी आप लोग बोलोगे कौन से इवेंट में आने वाली है, तो गाइस शायद से आप लोगों को टॉप अप इवेंट में देखने को मिल सकती है। बाकी टॉप अप इवेंट में आने के बहुत कम चांस है, इसका इवेंट वगैरह अब तक कन्फर्म नहीं हुआ है। तो गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे न्यू हिस्ट स्किन के बारे में कि हमें OB34 के अपडेट के बाद कौन सी न्यू हिस्ट की स्किन देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये वाली जो हिस्ट की स्किन है ये सब हिस्ट की स्किन के बाप रहने वाली है। तो गाइस, ये वाली हमारी लेजेंडरी हिस्ट की स्किन रहने वाली है, ये भी हमें रैम्पेज के थीम पे देखने को मिलने वाली है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन से इवेंट में देखने को मिलेगी। तो गाइस, या तो इसका कोई अलग से इवेंट आने वाला है, या ये हमें टोकन टावर में लेजेंडरी बंडल के साथ में ही देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, जब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आ रही है। तो गाइस, जब भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं तो घर वाले फ़ोन ज़्यादा लेने नहीं देते, और टाइम नहीं मिलता, ना तो कमेंट का रिप्लाई कर पा रहे हैं और ना ही अच्छे से वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ दिन बाद हमारे एग्जाम वगैरह हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, उसके बाद रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस यार, चैनल के रीच मत डाउन होने देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि चैनल के जो रीच है वो डाउन ना हो। तो आज की इस वीडियो को हम यही प्रेजेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।